आज मैं आपको ये बेहतरीन रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, चिकन राइस डंपलिंग। तो आपने सीखने के लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा बॉल लेना है और इसके अंदर डालना है 200 ग्राम राइस, यानी कि आप एक कप राइस ले लें देखें। और इनको आपने सबसे पहले भिगा देना है। कितनी देर भिगाना है, कम से कम आधा घंटा, ये देखिए। और अभी भिगाने के टाइम, इस टाइम पे आपने एक दो पानी से इसको धो लेना है, मतलब एक दो बार धो लें, आप ज्यादा भी धो सकते हैं, लेकिन धोना आपने इसी टाइम पे। उसके बाद आपने लेना ये चिकन, ये है चिकन ब्रेस्ट और इसका वजन है 500 ग्राम। तो आपने क्या करना है, चिकन ब्रेस्ट का इसको छोटा छोटा काट लेना है। छोटा छोटा क्यों काटना है, क्योंकि हम इसका कीमा निकालने वाले हैं। इसके लिए आप चाहें तो बाजार से कीमा भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे कीमा लाना पसंद नहीं है, मैं अपने आप ही कीमा बनाता हूं, जब भी बनाता हूं। इसके लिए आपने बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लाना है 500 ग्राम और ऐसे काट लेना है जैसे कि मैं काट रहा हूं। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से कट जाता है और ये सॉफ्ट होता है। इसके लिए देखिए ऐसे काट लेना है। ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, इसका तुरंत कीमा नहीं निकालना है, एक कपड़ा लेना है और कपड़े से ना इस तरीके से पोंछ लेना है। इससे क्या होता है, कीमा आपका एकदम बढ़िया बनेगा, गीला गीला नहीं होगा। इसके लिए मैं अपना कीमा खुद बनाता हूं। पहले आप साफ कपड़े से ऐसे चिकन काट के पोंछ लें, इससे क्या होता है सारा पानी सूख जाता है। देखिए कैसा आपका चिकन सूखा सूखा हो गया। अब आपने इसका कीमा करना है, आप मिक्सी के जार से भी कीमा कर सकते हैं, मैं भी आज घर की मिक्सी से इसका कीमा बनाने वाला हूं। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से पीस लिया है, आपको निकाल के भी दिखाता हूं। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से एकदम बारीक हो गया है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेस्ट है इसके लिए। तो आपने भी ऐसे कर लेना है। मैं आधा किलो चिकन का दो बार में कीमा कर रहा हूं, तो आप भी दो बार में करें, एक बार में ना करें, नहीं तो क्या होगा आपकी मिक्सी खराब भी हो सकती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सभी कीमा बन चुका है। तो आपने क्या करना है, ऐसे कीमा बनाने के बाद सबसे पहले आपने इसमें डालना है ये एकदम फाइन चॉप करके प्याज, प्याज लिए मैंने दो मीडियम साइज की, ये देखिए। उसके बाद एक टेबल स्पून भर के एकदम फाइन चॉप अदरक, एक टेबल स्पून एकदम फाइन चॉप गार्लिक। आप एकदम फाइन चॉप डालें, मोटा मोटा ना डालें। अगर आप इतना फाइन चॉप नहीं कर सकते तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मोटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए ढेर सारे धनिया के पत्ते, उसके बाद ढेर सारी हरी मिर्च कम से कम 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। बढ़िया से गूंद लें मसल मसल के, देखिए ऐसे, देख रहे ना आप कितना बढ़िया हो गया, बेहतरीन। तो ऐसी ही इसकी शक्ल होना चाहिए जब आप ऐसे मिक्स करेंगे तब। ये देखिए बढ़िया से आपने मसल मसल के गूंद लेना है इसको। ऐसे गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसको कम से कम 10 मिनट रखना है। उस 10 मिनट में क्या करना है आपको बता देता हूं। एक ऐसा बॉल लेना है, बॉल के अंदर रखना है ये छलनी और आपने ये चावल को छान लेना है जो हमने भिगा के रखे थे। देखिए ऐसे ऐसे आप थोड़ी देर रखें, 4-5 मिनट, ताकि जो इसमें पानी है वो अच्छे से नचुड़ जाए, पानी नचुड़ जाना चाहिए तब तक आपने रखना है। उसके बाद एक ऐसा फैला हुआ बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है चावल। ये देखिए चावल ऐसे डालने के बाद आपने इसमें डालना है नमक 2-3 पिंच और इनको इस तरीके से देखिए ऐसे मिक्स कर लेना है नमक डालने के बाद, और इसको आपने रख देना है साइड में। अब आपने क्या करना है, आपने गीला हाथ करना है और इसके आपने बॉल बना लेने हैं, मतलब डंपलिंग बना लेनी है जितनी बड़ी आपको चाहिए। तो मैं इतने बड़े बनाने वाला हूं, देखिए
आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं या फिर इतने बना लें, वो है आपकी मर्जी, लेकिन एक जैसे होना चाहिए। जैसे भी आप बनाएं, छोटे बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक जैसे बनाएं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारे बॉल बना लूंगा, आप भी ऐसे ही बना लें जैसे कि मैं बना रहा हूं। आप सोचेंगे राइस का क्या करना है, वो आपको दिखाऊंगा सारे बॉल बनाने के बाद। अब मैंने सभी बॉल बना लिए, तो आपने ऐसे बॉल बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हाथों को साफ, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से एक बॉल ऐसे उठाना है, देखिए इस तरीके से, और यहां चावल में डालना है, ऐसे चावल में डालने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपने इसमें अच्छे से चावल लगाने, देख रहे हैं आप कैसे मैं लगा रहा हूं, बढ़िया तरीके से, ये देखिए, और इसको ऐसे गोला करके आपने रख देना है यहां एक दूसरे बर्तन में, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक बॉल उठाने वाला हूं, उसके बाद चावल में, ये देखिए ऐसे बढ़िया तरीके से इसमें चावल लगाने वाला हूं, खूब बढ़िया से जैसे आप लगा सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है चिकन डंपलिंग राइस। तो आप इस तरीके से ऐसे राइस अच्छे से लगा के यहां रख दें इस तरीके से, देखिए ऐसे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सभी बना लूंगा, आप भी ऐसे ही बना लें, इसी तरीके से राइस लगा लें जैसे कि मैं लगा रहा हूं अच्छी तरीके से। देखिए चारों तरफ बढ़िया से राइस चिपकने चाहिए जैसे कि हमारे चिपक रहे हैं। अब मैंने सभी में राइस लगा लिया है, तो ऐसे सब में राइस लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है मोमो स्टीमर, ये देखिए, और इसमें सबसे पहले आपने नीचे तेल लगा लेना है इस तरीके से, अच्छे से तेल लगा लें, आप ब्रश से भी लगा लें, मैं हाथ से लगा रहा हूं तो आप हाथ से ना लगाएं। ऐसे तेल लगाने के बाद आपने इस तरीके से देखिए दूर दूर रखना है, पास नहीं रखना है, दूर मैं क्यों बोल रहा हूं और क्यों रखना है ये मैं आपको जब ये निकालूंगा उस टाइम पे समझा सकता हूं, अभी नहीं समझा सकता। अभी आप बोले तो मैं थोड़ा बहुत समझा दूं आपको, क्योंकि ये कच्चे राइस है ना, ये स्टीम होके राइस पकेंगे खिलेंगे, इसके लिए आपने ऐसे दूर दूर रखना है जैसे कि मैंने रखे हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्या डालना है, आपने आपने डालना है ये सेफ्रॉन के दो दाने, देखिए ऐसे जरूर डालें, बहुत ही मजेदार स्पेशल रेसिपी है, शायद आपने पहले यूट्यूब पे ये देखी भी ना हो, इसके लिए आपने ये रेसिपी को पूरा देखना है, और पसंद आएगी तो शेयर जरूर करें, और मैं तो बोल रहा हूँ बनाएं भी जरूर, ये देखिए, क्योंकि आप जब भी यूट्यूब पे आते हैं तो कुछ नया देखने के लिए सीखने के लिए आते हैं, देखिए ये है इसका पूरा प्रोसीजर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सब में रख लूंगा, आप भी ऐसे ही रखें जैसे कि मैं रख रहा हूं, देखिए पास पास ऐसे चिपका के नहीं रखना है, दूर दूर ही रखना है इस तरीके से, बस इतने रखें। फिर आपने क्या करना है, ऐसे उंगली मार के इसके ऊपर सेफ्रॉन के दो दो तीन तीन दाने, ये देखिए ऐसे रख देना है, मेरे मुंह से दाने निकले मतलब धागे, सेफ्रॉन के धागे रखना, ये देखिए ऐसे इस तरीके से। और अगर आपके पास सेफ्रॉन नहीं है, कई भाई लोग के पास नहीं होती है, कहीं जगह पे नहीं होती है, तो आप हल्दी थोड़ी थोड़ी रख दें, उससे भी कलर आ जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी, वो अलग बात है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। ऐसे सभी तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे लगा देना ढक्कन जैसे कि मैंने लगाया, उसके बाद ये स्टीमर के नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको आपने गैस पे रखना है और इसमें डालना है पानी, कम से कम आधा भरे पानी डालने के बाद आपने ये सभी डब्बे इसके ऊपर रख देना है, देखिए ऐसे, और गैस चालू कर देना है। मैंने इसको कितनी देर स्टीम किया ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं गैस बंद करूंगा तब। अब हमारे डिमसिम स्टीम हो चुके हैं, ये देखिए जादू, मैंने बोला था ना आपसे कि आपने दूर दूर रखना है, क्यों बोला था आप देख के समझ गए होंगे, ये देखिए क्या चीज बन के तैयार हुई है, ये देखिए दूसरा लाजवाब, देख रहे ना आप क्या चीज बनी है, उफ़।
मजा आ गया। और कलर और सेफ्रॉन की वजह से खुशबू वो तो और भी लाजवाब है। देखें तो अब आप पूछेंगे मैंने इसको कितनी देर स्टीम किया है, तो मैंने इसको 45 मिनट स्टीम किया। देखिए 45 मिनट में क्या बेहतरीन चीज बनके तैयार हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ऐसी यूनिक और नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्लीज़। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।